अस्सलाम वालेकुम, एक और नए ब्लॉग के साथ में हाजिर हूँ मोहम्मद वकास। आज कुछ अफ्तारी की तैयारी करनी थी। सबसे पहले तो यहाँ से नींबू तोड़ेंगे, ये अपने घर में ही लगे हैं। ज़्यादा नहीं तोड़ते, बस इस्तेमाल के लिए तोड़ लेते हैं, कितने चाहिए होते हैं। देखें दो नींबू और चले आ जाए, और भी कुछ बनाना है आज वो दिखाते हैं आप लोगों को। साथ जुड़े रहें, वीडियो देखते रहें। और ये घर में ही आड़ू का दरख्त लगा हुआ है और आड़ू इसमें लगे हैं कुछ। मैंने सोचा दिखाऊं आप लोगों को, कितने प्यारे लगे थे। दो ये लगे हैं, दो साथ, एक ये लगा हुआ है और कुछ ऊपर है। एक ये लगा हुआ, एक ये है और एक ऊपर है। वो ऊपर तो मैं शायद आप लोगों को ये लगा हुआ है, ये वाला। आड़ू का मौसम शुरू हो गया, अभी ये लगे हैं, कच्चे हैं अभी, तो तैयार होंगे वक्त के साथ साथ। सबसे पहले हमने पतीली चढ़ा ली है ये चूल्हे पे, और अब हम इसमें डाल रहे हैं कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल डाल लिया हमने, और इसमें हम डालेंगे प्याज जो हमने चॉप की हुई है। प्याज हमारी जो है ये थोड़ी सी ब्राउन होगी, गोल्डन ब्राउन, और हम हमें देते हैं ये कुछ गरम मसाला साबुत जो हमने ले लिया, ये इसमें डलेगा। थोड़ी सी प्याज जो है, तो प्याज हमारी गोल्डन ब्राउन हो जाए, बस होने वाली है। प्याज हमारी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, और ये मैंने इसमें डाल दी गरम मसाले साबुत। इसको थोड़ी सी देर बस हम भूनेंगे, और मैंने इसमें टमाटर डाल दिए। अब ये कुछ मेरा पिसा हुआ मसाला, इसमें हरा धनिया, हरी मिर्चें और लहसुन अदरक का पेस्ट है। ये पिसा हुआ इसमें कुछ मैंने शामिल कर दिया, इसको थोड़ी देर भुनेंगे मसाले। जब तक हमारा मसाला भून रहा है, इसमें हम चिकन शामिल करेंगे। ये चिकन हमने ले लिए, धो के इसको साफ कर लिया था। अब हम अपने मसाले में चिकन को शामिल करेंगे, ताकि ये मसाले के साथ थोड़ी सी भुन जाए, तो इसका एक अच्छा सा अरोमा मिल जाएगा। चिकन को मसाले के साथ जो है ना अच्छी तरह भूनना, हमारा पुलाव रेडी होगा। आंच को थोड़ा सा हम तेज कर देंगे भूनते वक्त। ये कुछ मैंने मसाले लिए, इसमें नमक है, हल्दी है, पिसा हुआ धनिया है, ये कुटी हुई मिर्च है, और ये आलू बुखारा है, ये भी हम इसमें से शामिल कर देंगे।
ये मसाले हमारे इसमें चले गए। आँच हमने थोड़ी तेज़ी रखनी है भुनाई के वक्त में, जब चिकन डालें कम से कम 2-3 मिनट हमने इसको चिकन को मसाले के साथ अच्छी तरह भूनना, फिर हम आँच स्लो करते हैं। मसाला भून रहा है, देखें किस तरह माशाल्लाह अच्छा कलर आया। ये बहुत मज़ेदार पुलाव बनने वाला है। चिकन हमारी भुन चुकी है, मसाला हमारा तकरीबन यही है, इसमें अब हम डालेंगे पानी शामिल करेंगे। एक जब मैंने पानी इसमें शामिल कर दिया और तो हम थोड़ा इसमें चिकन को डलने देंगे, इसको थोड़ी देर रख के इसमें बॉयल आए ताकि हम चावल शामिल करेंगे। तो पुलाव के साथ बन रहा है रायता, दही को जो है वो फेंक रहे हैं। तो ये रायते के लिए खीरा कट रहा बारीक बारीक, हम लोग उसे कहते हैं सलायता, आप लोग क्या कहते हैं उसे कमेंट में बताइएगा, क्योंकि हर जगह उसको अलग अलग नामों से बताया जाता है। ये हरी मिर्च, एक ही हरी मिर्च डालेंगे। तो ये खीरा और हरी मिर्च जो हमने काटा था ये दही में शामिल कर देंगे, बहुत मज़े का रायता बनता है, ट्राई करिएगा आप लोग। ये रायते की चटनी है जो पीसी हुई थी मैंने, इसमें हम शामिल कर देंगे। तो बस ये रायता हमारा मज़ेदार सा रेडी हो गया, सिंपल इजी एंड यमी। बॉयल हमारा आ गया इसमें और मसाले में, और अब हम इसमें शामिल करेंगे चावल। ये चावल डाल रहे हैं पुलाव में, चावल डालने के बाद बस इसको हल्का सा हमने हिलाना, ज़्यादा नहीं हिलाना। ये देखें हमारा चावल तकरीबन तैयारी करें, हल्का सा इसमें पानी, और इसको हम लगा देंगे दम पर और ये बस रेडी खाना हमारा। ये हमने इसको कवर कर दिया और स्लो आंच पे इसको थोड़ी सी देर 10 से 15 मिनट इसको हम कुक होने देंगे, इससे तैयार हो जाएंगे हमारा पुलाव तैयार हो जाएगा। पुलाव बहुत ही मज़ेदार बना था, आप लोग भी ट्राई करें, बहुत अच्छी रेसिपी है और ये ज़रा सा कराची स्टाइल में है। और मेरी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मिलते रहेंगे इसी तरह मज़ेदार वीडियोस में। मुझे इजाज़त दें, मिलेंगे एक और नए ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।